Hey everyone, welcome back to my channel. ये है आपकी गाइडेंस वीडियो MEG 3 की, जो है आपके ब्रिटिश नॉवल. तो आज की जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि ये है हमारी लास्ट वीडियो मॉड्यूल 1 की, जो गाइडेंस बन रही थी उसकी. मॉड्यूल 1 में आपके पास ब्रिटिश ड्रामा है, ब्रिटिश नॉवल है, ब्रिटिश पोइट्री है, MEG 1, 2, 3 है. तो उसकी आज आखिरी वीडियो होगी क्योंकि पेपर्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर. आपको अच्छे से पढ़ना है. येस, आपके पास टाइम नहीं है एंड यू गाइज डोंट नो वहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन कौन से नॉवल्स आप छोड़ सकते हो, विच नॉवल्स आर रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फोकस्ड ऑन. तो ये वीडियो आप ही के लिए है. अगर आपने पढ़ रखा है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, आप स्किप कर सकते हो. लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है, आप सोच रहे हो कि आप स्टार्टिंग करोगे पढ़ने की, तो ये वीडियो मिस नहीं करनी है. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका ब्रिटिश नॉवल की बात हो रही है. ब्रिटिश नॉवल में आपके पास टोटल आपके 9 नॉवल्स हैं, ठीक है. टॉम जॉन्स है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, वुथरिंग हाइट्स, मिडिल मार्च, ग्रेट एक्सपेक्टेशन है आपके पास, आर्टिस्ट का है एक, आई थिंक क्या नाम है उसका, द पोर्ट्रेट ऑफ यंग आर्टिस्ट एंड हार्ड टाइम्स है. तो इतने सारे नॉवल्स आपके पास हैं, टोटल आपके पास 9 नॉवल्स हैं और आपके पास क्वेश्चन भी 9 ही आते हैं. तो आपको स्मार्टली पढ़ना है ना, तो एक टिप है कि आप कोई भी 5 नॉवल अच्छे से कर लो, अच्छे से. बिकॉज क्या है, पेपर आपका 100 नंबर का आता है, आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक नॉवल से एक क्वेश्चन आता है और आपको करने हैं कोई भी पांच क्वेश्चन आपको करने हैं. तो 9 की 9 नॉवल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से पढ़ो, मज़े लेके पढ़ो. लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, वेस्ट नहीं करना चाहती हो, कोई भी 5 नॉवल उठा लो, उनको अच्छे से कर लो. एक चीज़ तो ये हो गई. अब दूसरी चीज़ ये कि पेपर में पैटर्न क्या आता है, ये आपको मैंने बता दिया. हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 20 नंबर का आएगा, आपके 100 नंबर का पेपर आता है. देन बात आती है शीट डिवीजन की, कि कितने नंबर में कितना पेजेस आपको भरना होता है. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपके 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं. आई थिंक 30 पेजेस की आपकी शीट आती है. तो एक क्वेश्चन जो है वो 6 पन्ने का आपका होना चाहिए, ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे सिंगल नहीं है, फिर तो खत्म हो जाएगी आपकी शीट ही. पर फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगी, जब भी आपको आपकी बुकलेट मिल जाती है, आंसर शीट मिलती है लिखने के लिए, आप उसमें पेजेस काउंट करो फटाफट से, उसको अपने 5 क्वेश्चंस के हिसाब से डिवाइड कर दो. जैसे कि आपके 6 पेजेस हैं या फिर 7 पेजेस का आपको एक आइडिया मिल रहा है, आप उसमें छोटा सा निशान लगा दो कहीं पर नीचे अराउंड द कॉर्नर, ताकि जब आप वहाँ तक आ रहे हो आपको पता रहे कि आपको उस पेज तक अपना आंसर खत्म करना है. क्यों खत्म करना है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को 10 पन्ने में लिख दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके पास 2 ही 3 पन्ने बचेंगे. मार्क्स तो आपको इक्वली डिवाइड करने हैं, वेटेज सबकी इक्वल है, तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से डिवाइड करना है, सुंदर सुंदर लिख के आना है. गंदी गंदी हैंडराइटिंग लिखते हो ना तो और भी कम मार्क्स मिलते हैं, ऐसा मुझे लगता है. तो अच्छा अच्छा लिख के आना है. और सबसे बड़ी चीज़ ना कि आपको पॉइंटर्स नहीं लिखने होते हैं लिटरेचर में. कभी भी आप पॉइंटर्स नहीं डालते हो कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसा नहीं होता है. आपका रनिंग फॉर्म में चलता है पूरा आंसर. लेकिन ध्यान ये रखना कि जो भी आपका पैराग्राफ होता है, जो आप पैराग्राफ लिखते हो, उन्हें थोड़ा छोटा रखो. इतने बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखना कि पूरे पेज में सिर्फ ऐसे 2 पैराग्राफ बना, ऊपर और एक नीचे. छोटे छोटे पैराग्राफ बनाना कि थोड़े छोटे रहें और एक पैराग्राफ में एक आइडिया आपका खत्म हो जाए. ऐसा नहीं है कि रनिंग फॉर्म में आइडिया था, आपने पैराग्राफ छोटे के चक्कर में छोड़ दिया, अब आप दूसरे में भी वही आइडिया कंटिन्यू कर रहे हो. तो अपना सेंटेंस कंप्लीट करना अच्छे से, छोटे पैराग्राफ बनाना, थोड़ा साफ सुथरा लिखना, इतना तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना. ओके, तो आपकी हो गई शीट डिवीजन की बात. अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नॉवल्स ईजी हैं आप कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई भी 5 नॉवल्स करनी है. तो जैसे कि टॉम जॉन्स है, बहुत सारे लव अफेयर्स हैं, अगर आप याद कर सकते हो इन लव अफेयर्स को याद कर लेना. अगर मैं अपना बोलूँ कि कुछ नॉवल्स हैं जो बहुत इजी हैं, 3-4 जो कि आप कर ही लेना. जैसे कि आपकी प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के, तो आप उसको करके चलना. वुथरिंग हाइट्स है, वुथरिंग हाइट्स का क्वेश्चन गॉथिक नॉवल से रिलेटेड आ जाता है आपका, कि गॉथिक एलिमेंट्स बता दो, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बता दो, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेना. वुथरिंग हाइट ईजी है. देन आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, चार्ल्स डिकेंस की है. चार्ल्स डिकेंस के वर्क अगर आपको पता है तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख दोगे कोई गलत नहीं करेगा. जैसे कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो क्लास डिवीजन होता है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बुर्जुआसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस कौन थे, ही वॉज फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. तो हम्बल बैकग्राउंड उनके वर्क्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है. जो आपका एक अपर क्लास होती है, वर्किंग क्लास होती है, जो ज़्यादा पैसे जिनके पास होते थे, अपर सोसाइटी जो होती थी, उनको कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं. और ये आइडियाज़ अगर आप किसी भी आंसर में लिखोगे चार्ल्स डिकेंस के, कोई नहीं क्लिक करेगा, क्योंकि वो चीज़ें बेसिक आइडिया हर जगह मिलेंगी आपको. मिडिल मार्च है, मिडिल मार्च आप कर सकते हो, आपके ऊपर है. अगर आपको स्टोरी पसंद है आप कर लो, अदरवाइज छोड़ दो.
हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस की स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ये हार्ड लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके मीनिंग जो है वो और भी निकल कर आते हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब मैंने उसे पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन में तो वो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा था, बट हो सकता है कि टाइम के साथ कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, ग्रेजुएशन में इतना दिमाग नहीं होता है, अब मास्टर्स हो रखी है तो फिर आप थोड़ा सा उसे समझ सकते हो। अगर आपको लगता है हार्ट ऑफ डार्कनेस कर पाओगे तो करना, अदरवाइज ऐसा मत सोचना कि मैं ये वाला करूँगा तो टीचर को लगेगा कि ये हार्ड वाला क्या बच्चे ने इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। कोई भी करो, दम से करना, दमदार अपना आंसर देना, क्योंकि वहाँ पे बात नंबर्स की हो रही है। आप चाहे ईजी वाला करो चाहे हार्ड वाला करो, मार्क्स की वेटेज इक्वल ही होगी आपकी आपकी। अब पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये भी नॉर्मल है, मतलब अगर वही चीज़ है कि अगर आपको पसंद है, क्योंकि हर एक इंसान की पर्सनल प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, आपको आता है पसंद है आप ज़रूर करना। देन आपका पैसेज टू इंडिया ये इजी पड़ जाती है, आप कर सकते हो। एंड देन प्राइम एंड द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी, तो वो भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, 9 में से आपको कोई सिर्फ 5 करनी है, सबकी एक बार समरी पढ़ना, 2-3 है जो कि आपको करनी ही करनी है, मेरी तरफ से सुन के चलना, करनी ही करनी। जैसे कि आपकी प्रेजिडिस है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन कर लेना, मिडिल मार्च कर लेना, वजिंग हाइट्स कर लेना, ये 4 है, एक बार इनको सुन के देखना, आपको पक्का लगेगा कि आप इन सबको कर सकते हो। एक कोई भी अपनी मर्जी से चूज़ कर लेना जो भी आपको लगे। अब बताती है कि क्या क्या करोगे इनके अंदर भी। आपने देख लिया कि आपको ये 5 नॉवल्स ड्रामा करने हैं, जो भी करने हैं, इनके अंदर क्या करना है आपको स्पेसिफिक। सबसे पहली चीज़ कि जो भी 5 आप सेलेक्ट कर रहे हो, एक पेज लो, उस पर उनकी थीम्स लिखते चलो, जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं कोई भी, जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस है तो इसमें क्या दिखा रखा है कि जो आपकी सोसाइटी थी उस टाइम की, जो सोसाइटी थी उस टाइम पे किस तरीके से जो इनहेरिटेंस थी वो मेल्स को जाती थी, इसीलिए तो जल रहे हैं मिस्टर मिसेस बेनेट है वो क्या कर रही है, अपनी लड़कियों के लिए शादियाँ ढूंढ रही हैं, क्यों, ताकि वो सेटल हो जाए, उनका जो घर है वो इनको नहीं मिलेगा, उनके कज़न को चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो चीज़ है यहाँ पे। इसकी बहुत ही फेमस लाइन है, फर्स्ट लाइन है, जो कि अगर आपके पास नॉवल आपने पढ़ी होगी उसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितने भी मेल हैं उन्हें एक फीमेल, मतलब एक वाइफ की तलाश होती है, लेकिन ये जस्ट इसकी अपोजिट है, क्योंकि पूरे नॉवल्स में जो फीमेल कैरेक्टर है वो मेल की तलाश में घूम रही है कि उन्हें एक सूटेबल हस्बैंड मिल जाए ताकि वो डिपेंड हो सके उनके ऊपर। तो विक्टोरियन सोसाइटी, विक्टोरियन पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है, आप उसे थोड़ा सा देख सकते हो। तो कुछ थीम्स होते हैं ना, जो टिप्स पे रखना कि किस तरीके से एलिजाबेथ का कैरेक्टर पोर्ट्रेट कर रखा है, या फिर उनकी मदर का कैरेक्टर किस तरीके से है, इनहेरिटेंस का किस तरीके से हो रहा है, तो ये फिर आपका जो बहुत ही फेमस मिस्टर डार्सी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मिस्टर डार्सी का कैरेक्टर, ही वॉज वेरी कूल पर्सन, आई थिंक जब मैंने उसे पढ़ा था तो आई वॉज टोटली फ्लैटेड बाय हिम कि किस तरीके से प्रेजुडिस थी स्टार्टिंग में, दिन धीरे 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 दे फॉल इन लव, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, वो नॉवल काफ़ी पसंद है मुझे अभी भी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। एक है आपका टाइमलाइन, कि टाइमलाइन के लिए बहुत ही क्लियर रहना। एक आपकी थीम हो गई, कोई भी नॉवल कर रहे हो थीम आपको पता होना, टिप्स पे होनी चाहिए। देन हो गई आपकी टाइमलाइन, कि किस टाइम पीरियड में वो लिखी गई है, आखिर वो टाइम पीरियड कौन सा था, कौन सा एरा था, विक्टोरियन था, रोमांटिक था, या फिर आपका कोई और एरा चल रहा था, आप वुदरिंग हाइट्स है वो उसका एरा अलग है, उसका टाइम पीरियड अलग है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना कि टिप्स पे आपके होने चाहिए। कौन सा जॉनरा है, कि कोई जो नॉवल है या फिर जो आपकी नॉवल्स है इसका जॉनरा क्या है, अगर इसमें रोमांस की बात हो रही है तो थोड़ा सा रोमांटिक उसमें आ जाएगा, जैसे कि आपको वदरिंग हाइट्स है वो गोथिक की तरफ जाएगा, गोथिक हॉरर की तरफ जाएगा, गोथिक लिटरेचर की तरफ जाएगा। देन आपका हार्ट ऑफ डार्कनेस है, ये किस तरीके से बात करता है उस टाइम पीरियड की, जैसे कि कॉलोनाइज्ड कंट्री की बात करता है किस तरीके से, कि उन्होंने अफ्रीका को कॉलोनाइज कर रखा है, उस वहाँ पे किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, या फिर किस तरीके से जो वाइट पीपल है वो डोमिनेंस दिखा रहे हैं ओवर द ब्लैक। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, हर नॉवल से 4-5 चीज़ें ध्यान रखना। आपका आंसर रहेगा 5 ही पेज तो लिखने हैं, 5-6 पेजेस अच्छे से लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, और समरी लिखने में तो हम सबसे आगे होते हैं इंडियंस, सारी कहानी लिख के आ जाएंगे, अच्छे से कहानियाँ बनाते रहते हैं बैठे बैठे, तो वो चीज़ें बहुत ईजी है। एक चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी किसी भी आंसर को कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि नॉवल का पेपर है तो नॉवल में क्या एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने कि नॉवल इसने लिखी है उसने लिखी है इस टाइम पीरियड में लिखी गई है, ये वाला एरा चल रहा था विक्टोरियन है या फिर रोमांटिक पीरियड चल रहा था, कौन सी सोसाइटी की बात करी गई है, किसको क्रिटिसाइज किया गया है, किसको प्रेज किया गया है, किसको फोकस में रखा गया है, इस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखना अपने पेपर को लिखते टाइम, छोटे छोटे पैराग्राफ बना के चल रहे हो, और लास्ट में आके ना कंक्लूजन ज़रूर देना, थीम्स की बात ज़रूर करना, कहीं ना कहीं थीम्स को हाईलाइट कर देना। अगर आप थीम्स की बात कर रहे हो कि इन दिस नॉवल वी हैव सर्टेन थीम्स, फॉर एग्जांपल ये वो जो भी है, उनको कहीं ना कहीं ब्लैक पेन से लिख देना। आप अंडरलाइन तो वैसे भी नहीं करोगे क्योंकि लिटरेचर का पेपर है, आपको ये सब अलाउ नहीं होता है करना कि आप पॉइंटर्स डालो, बट स्टिल अगर आप थीम्स लिख रहे हो आप पॉइंटर्स डाल सकते हो कि थीम अगर हम बात करें तो रोमांटिक थीम है या फिर कोई और थीम दे रखी है,
सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रखा है, तो ब्लैक पेन से थीम लेके उसको रनिंग फॉर्म में ब्लू पेन से स्टार्ट कर दो, तो दिखेगा देखने वाले को कि भाई इसने पढ़ रखा है, इसको अलग अलग थीम्स पता है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो पता है, टाइम लाइन पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक कंक्लूजन देना अपने आंसर में, आप सडनली आके आंसर ख़त्म मत कर देना कि ख़त्म हो गया, कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंक्लूजन देना कि इस नॉवल में ये बताई गई हैं चीज़ें, या फिर जो नॉवल है वो डेवलप होती है, इस सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया गया है, ये जो नॉवलिस्ट थे इन्होंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी है, इतना हो गया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपना आंसर ख़त्म करो पेज के बिल्कुल नीचे ला के मत करना, जैसे कि आप आंसर लिख रहे थे ऐसे, ठीक है, और आपने आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो आपने यहाँ तक लिख दिया ऐसे, यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक करके लिखा है। अब पता है यहाँ तक जब आप लिख देते हो, कई बार होता है कि चेकर आपको मार्क्स देना भूल जाता है, क्योंकि उसने यहाँ तक देखा, लास्ट पेज तक देखा, उसने लिखा हुआ है, आपने उसे पलट दिया, अब उसे ध्यान नहीं दिया कि आप पीछे आंसर दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मैं मजाक करी, बहुत बार ऐसा होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अपने आंसर को ऐसे कुछ 4-5 लाइन पहले, इतनी लाइन्स पहले ही ख़त्म करके एक मोटी सी अंडरलाइन कर दो, क्यों, ताकि ऑथर को जो भी ऑथर चेकर को पता चले कि आपका आंसर खत्म हो गया है, उसे आपको मार्क्स देने हैं, जब भी आंसर नंबर लिखो, करेक्ट लिखो, एक मोटा सा गोला बना दो, कि उसे दिखे कि भाई आंसर नया शुरू हुआ है, नंबर दे दो, नंबर दे के आके चलो, स्किप कर दी तो 20 नंबर क्वेश्चन होता है, बहुत घाटा हो जाएगा आपका। तो अच्छे से टाइम को मैनेज करना, अच्छे से पढ़ना, समरी पढ़ लेना, जितनी भी वीडियोज़ अभी आएंगी आपके काम की होने वाली है, क्योंकि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी नॉवल में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोज हमने डाल रखी है, तो मेक श्योर दैट यू आर मैनेजिंग योर टाइम वेरी वेल, आप अच्छे से प्रिपेयर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हो, आपको पता है मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मैक्सिमम करती हूँ, एकाधी बार होता है कुछ कुछ स्किप हो जाता है, ह्यूमन टेंडेंसी आपको पता ही होता है, फोन चलाते चलाते खो जाते हैं तो ध्यान नहीं रहता, बट मैक्सिमम टाइम मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, हेल्दी रहना, स्टे सेफ, क्योंकि टाइम बहुत वैसा हो गया, डेंगू वेंगू फैल रहा है, अच्छे से पैक होकर रहना, क्योंकि पेपर अभी आपको देना है, बहुत अच्छा पेपर देके आना है। बाय बाय बाय।